हेलो एंड नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग अच्छे होंगे। तो दोस्तों, आज हम पढ़ने वाले हैं फूड पैकेजिंग और लेबलिंग के बारे में। ठीक है, जैसा कि आपको पता है कि काफ़ी सिलेबस हम FSSAI का कवर कर चुके हैं। चाहे आप टेक्निकल ऑफिसर के लिए तैयारी कर रहे हो, ठीक है, चाहे तो आप TA के लिए कर रहे हो, या फिर आप असिस्टेंट डायरेक्टर के लिए तैयारी कर रहे हो, या फिर आप फूड सेफ्टी ऑफिसर के लिए तैयारी कर रहे हो, तीनों का ही जो CBT होता है, यानी कि प्री एग्ज़ाम बोल सकते हैं, वो सेम होता है, सेम सिलेबस है, कोई भी डिफरेंस नहीं है सिलेबस में। जैसे ही आप रिटन एग्जाम की तैयारी करते हैं तो आपको लगभग सिलेबस यही मिलेगा, लेकिन टेक्निकल ऑफिसर और FSO के लिए, फूड सेफ्टी ऑफिसर के लिए सेम सिलेबस है। थोड़ा सा डिफरेंस मिलेगा आपको असिस्टेंट डायरेक्टर में, लेकिन दोनों पोस्ट के लिए सिलेबस सेम है, एक टेक्निकल ऑफिसर और फूड सेफ्टी ऑफिसर के लिए। तो आप यहाँ पे ये मत सोचिए कि आप सिर्फ एक पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं, आप तीन पोस्ट के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं, बस आपको डिफरेंट डिफरेंट रजिस्ट्रेशन करना होगा। ठीक है, यहाँ पर आप जब एक सब्जेक्ट की तैयारी करते हैं, यानी कि एक पोस्ट की जब आप तैयारी करते हैं, तो आप वहाँ पर तीन से चार पोस्ट के लिए लगभग अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, और स्टेट में भी अप्लाई कर सकते हैं, जो नॉर्मल फूड सेफ्टी ऑफिसर की वैकेंसीज आती हैं। ठीक है, तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो रहेगा, यानी कि रिसेंट एडवांस इन पैकेजिंग एंड लेबलिंग रिक्वायरमेंट। ये आपका रिटेन के सिलेबस में दिया गया है, पार्ट सी में। ठीक है, और उसके बाद में ये जो टॉपिक है ये आपको देखने को मिलेगा CBT में, सिलेबस में आपको पार्ट बी में देखने को मिलेगा। ठीक है, तो रिटन एग्जाम में पार्ट सी में, और उसमें आपको पार्ट बी में देखने को मिलेगा, किसमें? CBT में। तो देखते हैं आज के टॉपिक में हमारा क्या रहने वाला है। उससे पहले मैं आपसे थोड़ा सा रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिए, इसके साथ ही साथ बेल आइकन को जरूर दबा दीजिए, जैसे ही नया वीडियो अपलोड होगा आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा, या फिर जॉब से रिलेटेड कोई भी अगर नोटिफिकेशन आता है तो उसका नोटिफिकेशन भी आपको मेरे चैनल पर मिल जाएगा। ठीक है, इसके साथ ही साथ आप नोट्स के लिए टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करिए, वहाँ से आप नोट्स को डाउनलोड कर सकते हैं, आप मुझे मैसेज कर सकते हैं इंस्टाग्राम पर, या फिर आप मुझे मेल कर सकते हैं अगर आपको कुछ पूछना है। तो चलिए आज का अपना टॉपिक स्टार्ट करते हैं, क्या रहने वाला है। तो जैसा कि मैंने आपको बताया, आज हम पढ़ेंगे रीसेंट एडवांस इन पैकेजिंग एंड लेबलिंग रिक्वायरमेंट्स के बारे में। वो बेसिकली हम पढ़ेंगे पैकेजिंग एंड लेबलिंग के बारे में। तो उसमें हमें पढ़ना पड़ेगा फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स रेगुलेशन 2011, जिसको बोलते हैं FSR 2011। तो इसके बारे में हमें पढ़ना पड़ेगा। तो इसमें मैं पूरा एक्ट तो नहीं पढ़ाऊंगा, उस एक्ट से जो भी पॉइंट्स जो आपको समझाने लायक मुझे लगते हैं, जिनको आपको पढ़ना चाहिए, वो मैंने यहाँ पे कवर किए गए हैं। कोई भी चीज़ें लगभग छोड़ी नहीं गई हैं। बहुत ज़्यादा अगर बहुत डीपली आप पढ़ना चाहते हैं तो उस एक्ट को आप जा करके पढ़ सकते हैं। ठीक है, फिलहाल जितना आपके लिए इंपॉर्टेंट है वो सारी चीज़ें मैंने यहाँ पर कवर की हुई हैं। ठीक है, तो इस एक्ट की अगर बात करें तो ये जो एक्ट है ये इफेक्टिव हुआ था, या फिर फोर्स में आया था 5 अगस्त 2011 को, उसके बाद से ये इफेक्टिव हुआ है इंडिया में। तो इसके बारे में देखते हैं क्या रहने वाला है। तो सबसे पहले हम फूड पैकेजिंग एंड लेबलिंग में सबसे पहले फूड लेबलिंग के बारे में पढ़ेंगे। तो जैसा कि आपको बताने की ज़रूरत नहीं है बिल्कुल भी, फूड लेबलिंग के बारे में आप सभी जानते हैं। जैसे ही कोई फूड होता है, फूड पैक्ड होता है, जो उसकी पैकिंग होती है, जस्ट पैकिंग के ऊपर एक लगा होता है लेबल, उस लेबल पर लिखी होती हैं बहुत सारी इन्फॉर्मेशन, जैसे कि न्यूट्रिशनल फैक्ट क्या है, यानी कि न्यूट्रिशन अमाउंट क्या है, कौन कौन से न्यूट्रिशंस हैं, उसका अमाउंट क्या है। इसके साथ ही साथ उस पर आपको देखने को मिलेगा बैच नंबर, लॉट नंबर, एक्सपायरी डेट्स, एक्सेट्रा, बहुत सारी चीज़ें आपको वहां पे देखने को मिलेंगी, फूड वेजिटेबल है या नॉन वेजिटेबल है। तो ये सारी चीजें होती हैं लेबलिंग का पार्ट। तो लेबलिंग में हम थोड़ा सा एक एक चीज़ के बारे में पढ़ेंगे, कुछ टर्म्स के बारे में पढ़ेंगे, एक्सपायरी डेट्स के बारे में पढ़ेंगे, लॉट नंबर कैसे पड़ा होता है, ये सब चीज़ें जो होती हैं उन सब बारे में हम आज इस वीडियो में देखेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम लेबलिंग की बात करते हैं। जस्ट आप जैसे ही फूड के किसी पैकेट को देखते हैं तो आपके सामने जो भी चीज़ें दिखाई देती हैं वो होता है लेबल उस फूड का। पैकेजिंग तो उसके नीचे होती है, लेकिन जो पैकेजिंग के ऊपर जो भी चीज़ आपको डिस्प्ले होती है वो होता है लेबल। किसी फूड के लेबल को देख ही पता लगाया जाता है कि ये फूड की क्वालिटी क्या है, या फिर ये फूड किसके लिए है, कौन इसको कंज्यूम कर सकता है। ठीक है, तो अगर हम बात करें तो एवरीबडी नो इज अवेयर दैट फूड लेबलिंग इज सर्व्स एज अ प्राइमरी लिंक ऑफ कम्युनिकेशन बिटवीन द मैन्युफैक्चरर एंड कंज्यूमर। देखिए, मैन्युफैक्चरर जो भी चीज़ें बनाता है उसके बाद में वो लेबल पे उन चीज़ों को मेंशन करता है, तब जाके एक कस्टमर समझता है कि इस प्रोडक्ट के अंदर क्या है। तो ये मैन्युफैक्चरर और कंज्यूमर के बीच में एक कम्युनिकेशन बैठाने का काम करता है। ठीक है, उसके बाद में इन दिस आर्टिकल वी शैल डिस्कस ऑन FSSAI गाइडलाइंस ऑन लेबलिंग ऑफ फूड प्रोडक्ट, हैंस द वेरियस करेक्टरिस्टिक्स विच शुड बी मैंशनड आर। तो हम देखेंगे कौन कौन सी करेक्टरिस्टिक्स हैं जिनके बारे में हम पढ़ेंगे आज। ठीक है, तो सबसे पहले हमारा आता है नेम ऑफ द फूड। देखिए, जब आप फूड को देखते हैं या फिर फूड की किसी पैकेजिंग को देखते हैं, कोई फूड देखते हैं, तो उसके ऊपर जो सबसे पहले लिखा होता है वो होता है नेम ऑफ द फूड, क्योंकि बिना नेम ऑफ द फूड आप किसी भी फूड को आइडेंटिफाई नहीं कर सकते हैं। तो नेम ऑफ द फूड प्रोडक्ट इज़ वन ऑफ द फर्स्ट FSSAI गाइडलाइंस ऑन द लेबलिंग ऑफ फूड प्रोडक्ट।
तो इसको आप समझ गए होंगे अच्छे से। इसके साथ ही साथ जो भी फूड का नेम होता है वो क्लियरली मेंशन होना चाहिए और क्लियर फॉन्ट में होना चाहिए, उसका फॉर्मेट भी एकदम क्लियर होना चाहिए। इसके साथ ही साथ अगर बात करें तो लिस्ट ऑफ इंग्रेडिएंट की अगर बात करें तो जैसा कि आप देख पाते हैं किसी भी फूड के पैकेट को आप देखते हैं तो ये सारे इंग्रेडिएंट लिखे होते हैं कि उसमें नियासिन हो गया, आयरन हो गया, थायमिन, कैल्शियम, पोटेशियम, सोडियम, ये इसका मात्रा क्या है, इसकी क्वांटिटी कितनी रखी गई है। तो ये होता है लिस्ट ऑफ इंग्रेडिएंट्स, यानी कि कौन कौन से इंग्रेडिएंट शामिल किए गए हैं। उसके सामने आपने देखा होगा कभी कभी क्वांटिटी लिखी होती है उनकी कि कितना कितना क्वांटिटी में उनको यूज़ किया गया। तो ये सब हो जाता है इंग्रेडिएंट की कैटेगरी में। देखिए ये सारी चीज़ें एक फूड के लेवल पे होनी चाहिए, ये FSSAI की गाइडलाइंस है, इसके अकॉर्डिंग ही किसी भी मैन्युफैक्चरर को काम करना पड़ेगा। उसके बाद में बात करें अगर न्यूट्रिशनल इन्फॉर्मेशन की, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि आप किसी भी फूड की जो क्वालिटी है उसको, उसके अंदर क्या क्या चीज़ें होंगी, क्या क्या हमें इससे मिलेगा, तो ये सारी चीज़ें होती हैं। क्योंकि हम फूड क्यों कंज्यूम करते हैं, हम कंज्यूम करते हैं न्यूट्रिशंस के लिए। तो न्यूट्रिशंस जैसे कि आप जानते हैं कि विटामिन हो गया, कोलेस्ट्रॉल हो गया, शुगर हो गया, प्रोटीन हो गया, ये सब कंटेंट किस अमाउंट में फूड में अवेलेबल है, तो ये सब होता है न्यूट्रिशनल इन्फॉर्मेशन। ये होना फूड में बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है। वेजिटेरियन और नॉन वेजिटेरियन, इसके बारे में अगर हम बात करें तो जैसा कि आपने देखा होगा जब भी आप फूड को परचेज़ करते हैं मार्केट से, तो अगर आप फूड के पीछे देखेंगे तो आपको ये दो डॉट्स देखने को मिलेंगे। अगर आपको ग्रीन डॉट देखने को मिलता है, इसका मतलब जो फूड है वो वेजिटेरियन फूड है। अगर आपको रेड डॉट देखने को मिलता है तो इसका मतलब जो फूड है वो नॉन वेजिटेरियन की कैटेगरी में आता है। तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि हमारे इंडिया में आप जानते हैं कि बहुत सारे लोग होते हैं जो वेजिटेरियन फूड को पसंद करते हैं, नॉन वेजिटेरियन फूड को नहीं पसंद करते हैं। तो ये एक सिंबल होता है जिसको देखकर पता लगाया जा सकता है। तो ये फूड की लेबलिंग में होना बहुत ज़रूरी होता है, ये भी फूड लेबलिंग का बहुत इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स हो जाता है। उसके बाद फूड एडिटिव्स, जैसा कि आपको पता है फूड एडिटिव्स एनी सब्सटेंस होते हैं, एनी मटेरियल हो सकता है जो कि फूड में ऐड किए जाते हैं इन ऑर्डर टू प्रिजर्व, ठीक है, उसके साथ ही साथ फ्लेवर और उसके साथ ही साथ इन्हेंस इट्स टेस्ट और अपेरेंसेस, इन सारी चीज़ों को इन्हेंस करने के लिए, चेंज करने के लिए, टेस्ट को इन्हेंस करने के लिए हम फूड एडिटिव्स को यूज़ करते हैं। कभी कभी फूड एडिटिव्स का यूज़ फूड को प्रिजर्व करने के लिए भी यूज़ किया जाता है कि फूड को हम लॉन्ग टाइम के लिए प्रिजर्व करके रख सकते हैं, ठीक है। तो ये भी उस प्रॉपर मैनर में मेंशन होना चाहिए किसी भी फूड में कि किस कौन कौन से फूड एडिटिव्स जो हैं वो फूड में यूज़ किए गए हैं। उसके बाद में अगर बात करें नेम एंड एड्रेस ऑफ मैन्युफैक्चरर, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। जब आप फूड को अगर परचेज़ करते हैं तो फूड के पीछे लिखा होता है पर्टिकुलर मेडिसिन, आप ले लीजिए या फिर आपने देखा होगा कोई भी फूड होता है वो कहाँ पे मैन्युफैक्चर है, पर्टिकुलर स्टेट क्या है, सिटी क्या है और वहाँ का जिप कोड क्या है। अगर ये चीज़ें नहीं होती हैं फूड के पीछे तो उस फूड को फेक कंसिडर किया जाएगा मार्केट में, ठीक है। तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। उसके बाद में क्वांटिटी की बात करें तो नेट क्वांटिटी इज़ ऑल्सो FSSAI गाइडलाइंस ऑन लेबलिंग ऑन फूड प्रोडक्ट्स। नेट क्वांटिटी हेयर रेफर्स टू द वेट ऑफ द प्रोडक्ट, ठीक है, जो फूड प्रोडक्ट है उसका वेट कितना है, कितना अमाउंट ऑफ फूड आपको मिल रहा है, तो ये हो जाता है क्वांटिटी। द वेट ऑफ द प्रोडक्ट एंड द पैकेज वेट आर यूजली कंबाइंड टुगेदर एंड देन मेंशन इन द नेट क्वांटिटी, ठीक है। तो नेट क्वांटिटी आप समझ गए होंगे क्या होता है, ठीक। तो उसके बाद में आता है, आपने देखा होगा बैच नंबर, बैच नंबर, लॉट नंबर लगभग एक ही होता है, ठीक है, कोई ज़्यादा फर्क नहीं होता है। तो आप बैच नंबर और कोड नंबर और लॉट नंबर इज़ अ मार्क ऑफ रिकग्निशन थ्रू विच द फूड कैन बी फाउंड इन द मैन्युफैक्चरर एंड इवन रिकग्नाइज इन डिस्ट्रीब्यूशन। देखिए जब कभी भी फूड बनता है, मान लिया आप ले लीजिए कोई भी फूड अगर मैन्युफैक्चर हो रहा है, कोई भी अगर लिक्विड पोर्शन में कोई जा, मान लीजिए जूस पैक होके आ रहा है या फिर टी पैक होके आ रही है, ये अगर किसी इंडस्ट्री में बन रहा है तो ये बल्क में बनता है, ठीक है। उस बल्क में पूरा लॉट का लॉट मटेरियल बनता है, फिर उसको डिफरेंट डिफरेंट छोटे छोटे पाउच में पैक करके मार्केट में भेजा जाता है, ठीक है। तो जो एक बार में जो पूरा एक साथ में जो पूरा फूड प्रिपेयर किया गया था, ठीक है, उसको हम बोलते हैं बैच एक तरीके से। तो उसका एक पर्टिकुलर नंबर होता है। अगर मान लिया जाता है मार्केट में कोई फूड अगर पाया जाता है ये इसका बैच नंबर ये है, अगर ये फूड खराब है तो एक बैच नंबर से पता लगाया जा सकता है कि जो फूड की जो ओरिजिन है वो कहाँ से आया है और उस लॉट से कितने कितने डिफरेंट डिफरेंट जगह पे प्लेसेस पे जो फूड गए हुए हैं, क्योंकि उनका लॉट नंबर सेम होगा तो उनको आसानी से रिप्लेस किया जा सकता है। उसके बाद में अगर बात करें तो डेट ऑफ मैन्युफैक्चरर एंड बेस्ट बिफोर एंड यूज बाय डेट, ठीक है।
तो इसमें तीन चार चीज़ें हैं, जैसे कि एक्सपायरी डेट का मतलब आपको पता ही होगा कि उसके बाद में चीज़ें ख़राब होने लगती हैं, और अगर उसको कोई कंज्यूम करता है तो वो ह्यूमन के लिए हार्मफुल हो सकता है। बेस्ट बिफोर की अगर बात करें, अगर आप बेस्ट बिफोर की बात करते हैं तो वो एक ऐसी डेट होती है अगर जिसके बाद अगर आप फूड को कंज्यूम करते हैं तो ऐसा नहीं है कि वो आपके लिए हार्मफुल होगा, लेकिन जो फूड का अपना फ्लेवर होता है वो ख़त्म हो जाता है, ठीक है, उसका फ्लेवर जो है वो लॉस होने लगता है, ये फ़र्क होता है। तो द डेट ऑफ मैन्युफैक्चरर इज़ व्हेन द प्रोडक्ट हैज़ बीन मैन्युफैक्चर्ड, वो डेट ऑफ मैन्युफैक्चर होती है, जब भी फूड को मैन्युफैक्चर किया जाता है उसका डेट होता है। बेस्ट बिफोर डेट्स आर अबाउट क्वालिटी नॉट सेफ्टी, व्हेन डेट इज़ पास्ड, अगर हम बेस्ट बिफोर डेट की बात करें, अगर डेट निकल जाती है तो इसका मतलब ये नहीं है कि जो फूड है वो विद भी हार्मफुल होगा, बट इट माइट बी बिगिन टू लॉस इट्स फ्लेवर एंड टेक्सचर, वो अपने फ्लेवर और टेक्सचर को ख़त्म कर चुका होगा, यानी कि उसमें फ्लेवर और टेक्सचर नहीं बचेगा धीरे धीरे, लेकिन वो फूड जो है वो हार्मफुल नहीं होगा। इसके बाद में जो एक्सपायरी डेट है, अगर आप उसको कंज्यूम करते हैं फूड को एक्सपायरी डेट के बाद में, तो वो हार्मफुल हो सकता है ह्यूमन हेल्थ के लिए। उसके बाद में एक ये टर्म आता है इन्फेंट, इन्फेंट का मतलब होता है मीन्स अ चाइल्ड नॉट मोर देन 12 मंथ ऑफ एज, अगर कोई चाइल्ड है अगर उसकी एज जो है वो 12 मंथ से कम है तो वो इन्फेंट की कैटेगरी में आएगा, तो ये इन्फेंट कैटेगरी का प्रोडक्ट हो, जैसे ये आप लैक्टोजन देखते हैं तो ये लैक्टोजन मार्केट में आता है, जो आप देखते होंगे कि जो बच्चे होते हैं उनके लिए यूज़ किया जाता है, ठीक है, एज अ फूड सोर्स। उसके बाद में कंट्री ऑफ ओरिजिन फॉर इम्पोर्ट, ये तो आप जानते होंगे, जब भी कोई फूड आप देखते होंगे बाहर से इम्पोर्ट होके आता है तो लिखा होता है ना मेड इन यूएसए, मेड इन जापान, मेड इन कनाडा, कुछ भी, तो वो बेसिकली लिखा होना बहुत ज़रूरी होता है, ई एफ एस सी सी आई की गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग ये लिखा होना बहुत ज़रूरी है। तो अब देख लेते हैं फूड पैकेजिंग के बारे में, तो फूड पैकेजिंग की अगर बात करें तो जैसा कि आपने देखा, सबसे पहले फूड को किया जाता है पैक, उस पैकिंग के ऊपर लगाया जाता है लेबल, तो लेबल के बारे में हमने देख लिया, अब हम पढ़ेंगे फूड पैकेजिंग के बारे में। तो अगर हम फूड पैकेजिंग की बात करें तो सबसे मेन यही होता है, जो फूड पैकेजिंग का काम यही होता है कि वो फूड को एक तरीके से प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है, ठीक है, इसके साथ ही साथ इट मे बियर अ न्यूट्रिशन फैक्ट लेबल, उसके साथ ही साथ उसके ऊपर हम लेबल को लगाते हैं, ठीक है, जिसके ऊपर बहुत सारी इन्फॉर्मेशन मेंशनड होती हैं, कौन कौन सी इन्फॉर्मेशन जिनके बारे में हमने पीछे पढ़ा, ठीक है, जो किसी भी प्रोडक्ट को सेल करने के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती हैं, ठीक है। अब अगर हम बात करें तो फूड पैकेजिंग रिक्वायरमेंट के बारे में, तो सबसे पहले अगर हम देखें कि पैकेजिंग रिक्वायरमेंट फॉर मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट, तो मिल्क प्रोडक्ट की अगर पैकेजिंग रिक्वायरमेंट की बात करें तो रैपिंग और पैकेजिंग होती है मे नॉट बी रीयूज्ड फॉर डेयरी प्रोडक्ट, जो जो डेयरी प्रोडक्ट होते हैं उनकी जो पैकेजिंग होती है उसके लिए जो पैकिंग मटेरियल होता है उसको रीयूज्ड नहीं किया जाना चाहिए, ठीक है, अगर कोई कंटेनर ऐसा है कि जिसको दोबारा से यूज़ किया जाता है, अगर हम उसको डिसइन्फेक्टिंग कर दें, उसको मतलब जो भी उसमें माइक्रो ऑर्गेनिज्म है उसको रिमूव करके अगर हम उसको यूज़ कर सकते हैं तो फिर उसको यूज़ किया जा सकता है, वरना रीयूज्ड जो भी कंटेनर है उसको दोबारा से यूज़ नहीं किया जा सकता, ठीक। उसके बाद में जो सील है वो भी प्रॉपरली होनी चाहिए, ठीक है, प्रॉपर कंटेनर की सील होनी चाहिए, सील ऐसी नहीं होनी चाहिए कि कहीं भी ओपन हो जाए, तो कायदे से एयर टाइट करके उसको लगाना चाहिए। उसके बाद में अगर बात करें पैकेजिंग रिक्वायरमेंट फॉर एडिबल ऑयल, एडिबल ऑयल आपने देखा होगा जो टीन में भी आता है, इसके साथ ही साथ प्लास्टिक पैकेट्स में भी आता है, प्लास्टिक बॉटल्स में भी आता है, ठीक है, तो जो प्लेट, इसके लिए अगर हम स्पेशली अगर मैन्युफैक्चर्ड एडिबल ऑयल की अगर बात करें, टीन की बात करें, तो टीन के लिए आप देखेंगे तो जो टीन बेसिकली एक प्लेट का बना होता है, तो टीन प्लेट यूज फॉर द मैन्युफैक्चर ऑफ टीन कंटेनर फॉर पैकेजिंग एडिबल ऑयल एंड फैट ऑयल शैल कन्फर्म टू स्टैंडर्ड्स टू प्राइम ग्रेड क्वालिटी, एकदम प्राइम ग्रेड क्वालिटी का होना चाहिए, जिसमें कि BIS यानी कि ब्यूरो इंडियन स्टैंडर्ड्स नंबर जो है ये दिए गए हैं, ये डिफरेंट डिफरेंट टाइम पर मॉडिफाई होते रहते हैं, बार बार अमेंड किए जाते हैं नंबर, तो ये जो एक कैटेगरी दी गई है, इस कैटेगरी का मतलब जो भी टीन प्लेट आप यूज़ कर रहे हैं वो इस कैटेगरी का होना चाहिए। इसके साथ ही साथ अगर हम बात करें जो भी टिन कंटेनर आप अगर फैट के लिए यूज़ कर रहे हैं, ये ऑयल के लिए था, अगर आप फैट के लिए यूज़ कर रहे हैं, ठीक है, तो वो IS नंबर उसका 10325 और 10339 होना चाहिए, ये मत IS नंबर का मतलब होता है इंडियन स्टैंडर्ड, तो ये कुछ कैटेगरी दी गई हैं, कुछ स्पेसिफिक कैटेगरी दी गई हैं कि इन कैटेगरी का एक स्टैंडर्ड क्वालिटी का आपको टिन जो है वो यूज़ करना चाहिए, ठीक। उसके बाद में पैकेजिंग रिक्वायरमेंट फॉर फ्रूट एंड वेजिटेबल की अगर बात करें, तो मार्केट में आप देखते हैं कि फ्रूट और वेजिटेबल्स भी बहुत सारे पैक होके आते हैं, फ्रूट जूस भी पैक होके आते हैं, ठीक है, तो अगर हम इन सब की बात करें तो यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है एवरी बॉटल इन विच एनी फ्रूट प्रोडक्ट इज पैक्ड शैल बी सो शील्ड दैट इट कैन नॉट बी ओपन विदाउट डिस्ट्रॉइंग द लाइसेंसिंग नंबर एंड द स्पेशल आइडेंटिफिकेशन मार्क ऑफ द मैन्युफैक्चरर
टू बी डिस्प्लेड ऑन द टॉप और नेक ऑफ द बॉटल। देखिए जैसे कि ये बॉटल है, इस बॉटल को आप जैसे ओपन करते हैं तो इसके नेक पे, इसके गर्दन पे एक सील लगा होता है जिस पे लिखा होता है कभी कभी बैच नंबर या फिर लाइसेंस नंबर वगैरह पड़ा होता है। बैच नंबर तो नहीं, लाइसेंस नंबर वगैरह पड़ा होता है। जब आप उसको ओपन करेंगे तो वो सील जो है वो ब्रेक हो जाती है, लाइसेंस नंबर जो है वो डिस्ट्रॉय हो जाता है। ठीक है, तो इससे ये पता चल जाता है कि ये फूड अगर कोई कोई अगर ओपन करता है, उस फूड को ओपन करके उसमें से कुछ निकालने की कोशिश करता है, बाद में उसको सेल करता है, तो दोबारा से कोई ऐसा ना कर पाए इसलिए एक प्रॉपर सील लगी होती है। तो उस फूड की बॉटल को आप अगर खोलेंगे तो विदाउट उस सील को डिस्ट्रॉय किए आप उसको नहीं खोल सकते। ठीक है, यही इसमें बताया गया है। उसके बाद में जैसे बॉटल फ्रूट जूस वेजिटेबल्स और ओनली बॉटल जार्स कैपेबिलिटी ऑफ गिविंग हार्मेटिक सील सेल्फ यूज़। कहने का मतलब यहाँ पे है जैसे फ्रूट जूस और वेजिटेबल्स को पैक करने के लिए उन्हीं बॉटल्स का यूज़ करना चाहिए जो मतलब कि जिसको हम एक तरीके से हार्मेटिक सील दे सकें। हार्मेटिक सील का मतलब ये होता है एक एयर टाइट करके एक सील लगानी होती है। ऐसे टिन को, ऐसे मटेरियल को यूज़ करना है जो कैपेबल हो इसको सह सके इतना तेज़ी से इस पर अगर करते हैं प्रेशर डालते हैं तो इसी तरीके से कहने का मतलब यही है कि प्रॉपर तरीके से किसी भी अगर फूड को अगर आप पैक करते हैं तो वो एयर टाइट होना चाहिए। एयर टाइट करने का मतलब ये है कि उसमें एयर नहीं जानी चाहिए। इस तरीके से आपको उसको बंद करना है, इस तरीके से आपको उसको सील्ड करना है। ठीक है, उसके बाद में यहाँ पे जैसे कुछ फ्रूट एंड वेजिटेबल प्रोडक्ट हैं कैन ऑल्सो बी पैक्ड इन एसेप्टिक एंड फ्लेक्सिबल पैकेजिंग मटेरियल हैविंग फूड ग्रेड क्वालिटी। यानी कि कुछ पैकेजिंग मटेरियल्स होते हैं जो फूड ग्रेड क्वालिटी के होते हैं, उन्हीं को यूज़ करना चाहिए जो BIS के थ्रू निर्धारित किए गए हैं, यानी कि ब्यूरो इंडियन स्टैंडर्ड्स के थ्रू। उसके बाद में अगर हम पैकेजिंग रिक्वायरमेंट फॉर कैंड मीट प्रोडक्ट की अगर बात करें, तो आपने देखा होगा कि जैसे ये मीट प्रोडक्ट है बीफ वगैरह कैन में आता है पैक होके, तो आप यहाँ पे देख पा रहे हैं जो जो सील लगा होता है, जैसे आपने पेप्सी का कैन देखा होगा, इस सील को इस तरीके से लगाते हैं कि ऊपर से हम इसको ज़रा सा ऐसे टर्न करते हैं, दबाते ही नीचे की ओर पुश करते हैं और ये सील ओपन हो जाता है और प्रॉपर एयर टाइट करके इसको सील किया जाता है। उसके बाद में न्यू सैनिटरी टॉप कैंस मेड फ्रॉम सुटेबल काइंड ऑफ टिन प्लेट शैल बी यूज्ड। द कैन शैल बी लैक्वायर्ड इंटरनली। लैक्वायर्ड का मतलब ये होता है, लैक्वायर्ड एक तरीके की कोटिंग होती है, लैक की कोटिंग होती है एक तरीके से, हम अंदर करते हैं जैसे पेंट होता है, पेंट की कोटिंग करते हैं, वैसे टिन के अंदर जो कोटिंग की जाती है उसकी बात यहाँ पे हो रही है। दे शैल बी शील्ड हार्मेटिकली आफ्टर फिलिंग। उसके बाद में द लैकर यूज शैल बी सल्फर रेजिस्टेंट एंड शैल नॉट बी सॉल्युबल इन फैट और बो ब्राइन। यानी कि ऐसा आपको मटेरियल यूज़ करना है जो सल्फर रेजिस्टेंट होना चाहिए, इसके साथ ही साथ नॉ सॉल्युबल नहीं होना चाहिए, नॉट बी सॉल्युबल इन फैट और ब्राइन, फैट और ब्राइन में सॉल्युबल नहीं होना चाहिए, ऐसा आपको यूज़ करना है। वरना आप फूड को अगर पैक करेंगे तो पता चले उसके साथ वो रिएक्ट करके रिएक्शंस करने लगे या फिर उसमें डिजॉल्व हो सकता है। ठीक है, उसके बाद में अगर बात करें पैकिंग रिक्वायरमेंट्स फॉर ड्रिंकिंग वाटर, तो ड्रिंकिंग वाटर के लिए कुछ स्टैंडर्ड्स दिए गए हैं कि कौन कौन सी बॉटल्स जो हैं, कुछ स्पेसिफिक बॉटल्स मटेरियल यूज़ किया जाना चाहिए। जैसे कि आप देखेंगे कि पॉलीथाइन हो गया या फिर PVC हो गया, पॉलीवाइनिल क्लोराइड, तो ये कुछ स्पेसिफिक क्राइटेरिया दिए गए हैं बॉटल के मटेरियल्स के, प्लास्टिक मटेरियल्स के, जो आपको यूज़ करनी है। ठीक है, ये उनका इंडियन स्टैंडर्ड नंबर भी दिया है कि इसी क्वालिटी का आपको बॉटल जो है वो यूज़ करना है। तभी आपने देखा होगा जो बॉटल, जो आपने वाटर का बॉटल देखा होगा जो भी रेलवे स्टेशन या फिर आप परचेज करते हैं, तो उसका जो प्लास्टिक मटेरियल होता है वो थोड़ा सा अलग होता है। उसके बाद में हम बात करेंगे जनरल पैकेजिंग रिक्वायरमेंट फॉर कैन प्रोडक्ट। तो कैन प्रोडक्ट बहुत सारे आते हैं, बहुत सारी चीज़ें कैन में पैक होके आती हैं, तो बेसिक जो चीज़ें हैं जो पीछे आपको बताई वही यहाँ पर भी फॉलो होती हैं, जैसे कि ऑल कंटेनर शैल बी सिक्योरली पैक्ड एंड सील्ड। सिक्योरली पैक्ड और सील्ड होने चाहिए, सबसे बड़ी बात यही ध्यान में रखनी है कि एयर टाइट होनी चाहिए सील, उसमें एयर नहीं जानी चाहिए, क्योंकि अगर एयर जाएगी तो रिएक्शन होगी, अगर रिएक्शन होगी तो फूड जो है वो ख़राब होगा। ठीक है, साथ ही साथ जो एक्सटीरियर होना चाहिए कैन का वो होना चाहिए फ्री फ्रॉम डेंट होना चाहिए, उस पर डेंट और रस्ट नहीं लगा होना चाहिए। ठीक है, उसके साथ ही साथ कैन शैल भी फ्री फ्रॉम लीक्स, उसमें लीकेज नहीं होनी चाहिए। ठीक है, तो ये कुछ बेसिक क्राइटेरिया था फूड पैकेजिंग को लेकर के और फूड लेबलिंग को लेकर के। तो आई होप आपको समझ में आया होगा, तो आपने यहाँ पे समझा कि फूड पैकेजिंग कैसे होती है, लेबलिंग कैसे होती है। अब आपको थोड़ा सा अगर आप मार्केट में कोई फूड परचेज करते हैं तो उस पर आप पढ़ के देखिएगा, अगर आप कल को फूड सेफ्टी ऑफिसर बनते हैं तो आपको इन सब चीज़ों का बहुत अच्छे से नॉलेज होना चाहिए। मैंने ज़्यादा चीज़ों को बहुत ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं किया है, तो इसके मैं नोट्स दे दूंगा, आप इसको पढ़ सकते हैं, क्योंकि चीज़ें बहुत ज़्यादा एक्सप्लेन करने लायक थी नहीं कि जो आपको समझाई जाए।
ठीक है, तो नोट्स मैं आपको टेलीग्राम पे दे दूंगा, आप वहां से डाउनलोड कर सकते हैं। तो इसके बाद हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और आप मुझे कमेंट करके बताइए अगर आपका रिटन एग्जाम लगा हुआ है तो आप कौन कौन से टॉपिक्स पे वीडियो चाहते हैं सबसे पहले। मैं कवर तो सारा कराऊंगा, लेकिन अगर आपका एग्जाम आ रहा है तो आपको जो भी टॉपिक लगता है कि आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है या फिर आप उसको कवर नहीं कर पाए हैं तो आप मुझे कमेंट करके बताइए, मैं उसको पहले कवर करने की कोशिश करूंगा। ठीक है, इसके बाद में जो नेक्स्ट वीडियो आएगा वो आएगा आपका HACCP और GMP GLP वगैरह पे। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।